जय हिंद भाई सभी को। तो भाई देखो, जैसा कि आपको पता है, देश के एक और अग्निवीर अक्षय लक्ष्मण ने देश की सेवा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है, जो महाराष्ट्र का रहने वाला था। ठीक है, ये अग्निवीर अक्षय लक्ष्मण जो है ग्लेशियर के अंदर सियाचिन में शहीद हो गया था ड्यूटी के दौरान। तो इनको लेकर राहुल गांधी जो हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर, उन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट से कुछ पोस्ट किया है जो आप सभी को जानना चाहिए, जितने भी साथी जो है अग्निवीर की तैयारी करते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट से जो पोस्ट करते हुए अग्निवीर अक्षय लक्ष्मण के परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए अपना दुख प्रकट किया है। गहरी संवेदनाएं उन्होंने व्यक्त की हैं। राहुल गांधी जी ने पोस्ट करते हुए कहा है कि एक युवा जो है देश के लिए शहीद हो जाता है अपनी सेवा के दौरान, और उसको ना कोई ग्रेजुएटी दी जाती है, ना ही सेना की ओर से जो अन्य सुविधाएं दी जानी चाहिए वो दी जाती हैं, और शहीद को जो है एक शहीद को मतलब उसके परिवार को जो पेंशन दी जानी चाहिए, ना ही वो पेंशन की उसको घोषणा की जाती है, ना ही उसको कोई पेंशन दी जाती है। और उन्होंने एक बात और बोली है कि जो अग्निपथ योजना है, ये देश के अग्निवीर जो हैं उनका अपमान है। ठीक है, हमारे देश की सेवा करने वाले युवाओं का अपमान की योजना है, ना कि ये कोई सम्मान वाली योजना है, और ये बहुत ज़्यादा गलत है ये योजना। बिल्कुल जो भारतीय वो इसी प्रकार से होनी चाहिए जो पहले होती थी, क्योंकि अगर एक परमानेंट जवान जो है सेना का अगर शहीद होता है तो उसके परिवार को जो है पेंशन भी दी जाती है और अन्य सुविधाएं भी सेना की ओर से दी जाती है। लेकिन एक अग्निवीर के लिए ऐसी कोई योजना नहीं है। अग्निवीर को केवल जो मतलब उसकी ड्यूटी बची हुई है वो पैसा दिया जाएगा, मतलब उसका जो भी वेतन बचा हुआ है, और उसको जो है उसका जो जीवन बीमा है उसका पैसा दिया जाएगा, जो लगभग 1 करोड़ के आसपास होता है। ठीक है, क्योंकि यार देखो, एक सोचने वाली बात है, अगर मतलब सेना में कोई जवान जाता है, चाहे वो अग्निवीर है या कोई परमानेंट सैनिक है, अगर दुश्मन की गोली चलती है तो दुश्मन की गोली को ये थोड़ी पूछ कर लगती है कि भाई आप परमानेंट हो या फिर अग्निवीर हो, और दोनों ही देश के लिए शहीद होते हैं। कोई ये नहीं है कि अग्निवीर कोई देश की सेवा के लिए नहीं गया, अग्निवीर भी देश की सेवा के लिए ही सेना में गया, और एक परमानेंट जवान भी देश की सेवा के लिए ही सेना में जाता है। और भाई जब दोनों ही जवान देश की सेवा के लिए सेना में गए और दोनों ही जवान देश के लिए शहीद हुए, चाहे वो परमानेंट सैनिक था चाहे वो अग्निवीर था, तो उनको जब शहीद के बाद जो मतलब सहायता उनके परिवार वालों को दी जाती है, क्योंकि उनके परिवार का जो बेटा है वो तो नहीं रहा, लेकिन देश की जो सरकार है उसकी सहायता बचती है उनके लिए, तो वो अलग अलग क्यों दी जाती है? तो वो गलत है ना भाई। और मैं राहुल गांधी जी के इस बात से सहमत हूँ कि ये जो अग्निपथ योजना है ना भाई, ये वास्तव में अपमान वाली योजना है। और भाई आप इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हो, जो भी आपकी राय वो कमेंट में ज़रूर लिखना, ठीक है, ताकि मुझे पता लगे कि जो मेरे वीडियो देखने वाले हैं वो इस चीज़ को लेकर क्या सोचते हैं। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारतीय सेना।